उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद प्रशासन ने भूमाफियाओं की नींद हराम कर दी है। बता दें, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों पर हो रहे निर्माण पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलने से नजीबाबाद क्षेत्र के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर के नजीबाबाद में जोग्रमपुरी मार्ग पर भूमाफियाओं द्वारा काटी गई अवैध रूप से कॉलोनी पर SDM नजीबाबाद के नेतृत्व में बुलडोजर चला और कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। नजीबाबाद में बुलडोजर चलने से क्षेत्र के भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए गए काटी गई कॉलोनी के मालिकों पर खतरा मंडराने लगा है। इस दौरान SDM नजीबाबाद ने बताया कि अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है और जो मानक के अनुरूप नहीं है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। SDM ने बताया कि कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। फिलहाल आज बुलडोजर के माध्यम से दो कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। देख रहे हैं कि कोई भी कॉलोनी अगर आबादी घोषित करा ली जाती है, उसके लेआउट पास करा लिए जाते हैं, तो वो कॉलोनी स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मानी जाती है। लेकिन इन दोनों कॉलोनी के मामले में ऐसा नहीं था। इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में ना ही आकर्षित घोषित करवाई और ना ही इनका कोई लेआउट स्वीकृत है, तो इसलिए आज यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। और इसके माध्यम से और लोग भी जो इस व्यवसाय में लग रहे हैं उनको एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी है कि आप विधि मान्य करके लीगली अपनी कॉलोनी काटिए, ताकि जो हमारी भोली भाली जनता प्लॉट लेके मकान बनाए तो कल को उनको बैंक से लोन मिल सके और आगे किसी भी तरह की डिमोलिशन कार्रवाई से वो भविष्य में बचे रहें। सर, नजीबाबाद में और भी कई जगह अवैध कॉलोनी काटी गई है, जो उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी नजीबाबाद में जो कॉलोनी काटी गई है तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें दो ध्वस्त हो गई हैं और दो को नोटिस जाने के बाद में उन्होंने धारा 80 के एप्लीकेशन डाल दिए हैं और बाकी तीन प्रोसेस में हैं। उनकी धारा 80 तो हो चुकी थी लेकिन लेआउट विनियमित क्षेत्र से पास नहीं था, उन्होंने मैप उन्होंने भी डाल दिया। तो आप देखेंगे कि डिमोलिशन की कार्रवाई का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हुआ है। और आप मीडिया से भी अपील है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं यहीं की क्षेत्रीय जनता हैं, आप भी लोगों को जागरूक करें कि प्लॉट लेने के पहले तहसील में अपने क्षेत्रीय लेखपाल से, विनियमित क्षेत्र के JE से, न हो तहसीलदार से, हमसे यह ज़रूर पूछ लें कि सर इस लैंड में जो कॉलोनी काटी जा रही है क्या यह कॉलोनी पास है। तो इससे हम समझते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी और ठगी के शिकार होने से बचाएं।